हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम केवी सर। मोस्ट वेलकम टू द केवी दिवाकर क्लासेस में। आज आपको ट्रिग्नोमेट्री मतलब पार्ट टू में ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेंट फार्मूला को ट्रिक के माध्यम से सेटिस्फाइड करने आपको जा रहे हैं, करेक्ट? तो सबसे पहले ठीक है, यहाँ पर एक यक्स एक्सिस लाइंस खींचते हैं और एक वाई एक्सिस लाइंस। ओके, ये यक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये y डैश है और ये x डैश है, करेक्ट? x एक्सिस एंड y एक्सिस जिस पॉइंट को कट करे उस पॉइंट को ओरिजिन कहेंगे। आपने क्वाड्रेंट में पढ़ा होगा कि जब यहाँ पे पॉइंट ये ओरिजिन से x एक्सिस की टू डायरेक्शन होती है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होती है, करेक्ट? तो आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट फार्मूला का इसी x एक्सिस एंड y एक्सिस के ग्राफ से इसको ट्रिक बनाया गया है। इस ट्रिक के माध्यम से क्वाड्रेंट फार्मूला को हम सेटिस्फाइड करने जा रहे हैं। कंफर्म हुआ? सबसे पहले यहां पर देखिए, जब x एक्सिस एंड y एक्सिस लाइन को ड्रा किया तो यहां पर देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ खाने बन गए। तो इसको बोलेंगे कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। मींस इस x एक्सिस एंड y एक्सिस के ग्राफ में फोर क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। कंफर्म? इसके बाद फिर देखिए, इसमें देखिए ईच एंगल, जितने ईच क्वाड्रेंट का जो एंगल्स है, अगर ये देखिए एंगल्स कितना बना रहा है 90 डिग्री, ये बताओ कितना बना रहा है 90 डिग्री, ये बताओ कितना बना रहा है 90 डिग्री, ये बताओ कितना बना रहा है 90 डिग्री। मीन्स अगर देखा जाए तो ईच एंगल्स जो है वो 90 डिग्री बनाता है जब ये फोर्थ एंगल मिल जाते हैं तो 360 एंगल का निर्माण करता है। मीन्स अगर यहाँ से 0 पॉइंट से अगर स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री से स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पर जब पहुंचेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री लिखा जाएगा। अब देखिए, जब 90 डिग्री हुआ, जब 90 और यहाँ पर पहुंचेगा, 90 और 90 कितना हुआ 180, यहाँ पर क्या हो जाएगा 180। अब 180 से ये देखिए, जब 90 पहुंचेगा तो 180 और 90 कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। अब 270 हुआ, जब यहाँ पर गया 90, 270 और 90 कितना हो गया 360। कंफर्म? अब देखिए, यहाँ पर 0 डिग्री भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो आप लोग को ये चीज ये बताना है कि किसी भी क्वाड्रेंट करेक्ट को देख कर ये पता कर लेना कि कोई भी एंगल वह किस क्वाड्रेंट में है। अगर कोई एंगल्स है, अब उस एंगल को देखना है और आपको उस एंगल को देखकर ये पता कर लेना है कि वह किस क्वाड्रेंट में जाएगा। कंफर्म हुआ? अगर हम 0 पॉइंट से स्टार्ट, 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं तो 90 डिग्री आता है, तो 0 और 90 डिग्री के बीच में, अगर 0 90 डिग्री के बीच में रहता है एंगल्स, तो समझ जाएंगे वो किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर देखिए 90 आया, 90 से 180 मीन्स 90 डिग्री से अगर 180 डिग्री आता है तो समझ जाएंगे वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर देखिए यहाँ पर गौर करिए, 90 डिग्री, अब 90 90, 180 180 90, 270, अब 270 और 1 270, ठीक है? नहीं, यहाँ पर 180 ठीक है, अब 270, मतलब 180 से 270 के बीच में अगर एंगल्स आएगा तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा बताओ, किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा। कंफर्म हुआ? अच्छा ठीक है। अब जब ये 90 90 180 180 90 270 270 और 90 360, मतलब ये यहाँ पर 270 से 360 के बीच के एंगल आता है तो वो बताओ किस क्वाड्रेंट में जाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। कंफर्म हुआ? ठीक है। अब गौर करिए, सबसे पहले आपने इसमें आपको मैंने बताया ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270। कंफर्म हुआ? 0 और 90 डिग्री के अगर बीच में एंगल्स आते हैं तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर 90 और 180 के बीच में आएगा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। अगर 180 से 270 आता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, अगर वो 270 से 360 आता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट जाएगा। जब यहां से यहां पर पहुंचा 360, जब 360 से अगर 1 डिग्री भी मैक्सिमम हो जाती है तो ऑलरेडी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर पहुंच जाती है। कंफर्म होगा? इस बात को ध्यान रखना होगा। हम एंगल को देखेंगे, जैसे मैंने बोला यहाँ पर 70 डिग्री है, अब बताओ 70 डिग्री का मैं आपसे पूछूं ये किस क्वाड्रेंट में है, मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच का एंगल्स, बताओ क्या 70 आ रहा है? आ रहा है। तो ये 70 बताओ किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। ओके, अगर मैंने बताया 100 डिग्री की बात करें तो बताओ 90 और 180 के बीच में रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। कंफर्म हुआ? इस बात को ध्यान रखिए। तो इसको किसी भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ में जो क्वाड्रेंट फार्मूला को जो आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं
उस ट्री को जानने के लिए सबसे पहले पहली कंडीशन आपको ये जानना होगा कि एंगल्स को देखेंगे और एंगल आपको ये बताएगा कि वह किस क्वाड्रेंट में है, कंफर्म हुआ। सेकंड की बात करेंगे, इसके बाद यहां पर क्या होता है, एक ट्रिक ले लेते हैं आल, ठीक है ठीक है, या लिख सकते हैं ए ए यस टी सी, मान लीजिए ए यस टी सी, मान लीजिए एक बस का नाम है, या आप कह सकते हैं आल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, ये भी याद कर सकते हैं। सबसे सिंपल बात, आलू समोसा टिकिया चाट। अब देखिए जो आलू समोसा टिकिया चाट का ये ट्रिक बताने जा रहे हैं क्वाड्रेंट फार्मूला में, तो जो आलू समोसा टिकिया चाट यहाँ शो किया गया है, ये सभी वैल्यू पास्ट टू शो करते हैं। ये पास्ट टू है, ये भी पास्ट टू है, ये भी पास्ट टू है, ये भी पास्ट टू है, करेक्ट ठीक है, ये भी प्लस ए प्लस ए प्लस और ए प्लस, कंफर्म हुआ। ए मीन्स होता है ऑल, ए मीन्स होता है ऑल, यस मीन्स क्या होता है साइन, ओके, और टी मीन्स क्या होता है टेन, और सी मीन्स क्या होता है, सी मीन्स क्या होता है कॉस, ओके। इसका मतलब समझा देना चाहते हैं, पहली बात आपने आपको मैंने ये बताया कि अगर 0-90 डिग्री के बीच में आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90-180 आया तो सेकंड क्वाड्रेंट पहली कंडीशन, और 180 और 270 आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, 270 और 360 आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट। आपने किसी भी एंगल्स को देखकर क्वाड्रेंट को पहचानना क्लियर हो गया। सेकंड में आपको बताना होगा कि जो एएसटीसी है, जो यहाँ पर आलू समोसा टिकिया चाट है, ये आपको ये बताता है कि कौन सी रेशियो पॉजिटिव है, कौन सी रेशियो निगेटिव है। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियो होता है, 6 रेशियो, देखिए साइन होता है कॉस, उसके बाद फिर देखिए टेन, फिर उसके बाद क्या होता है कॉट, उसके बाद क्या होता है सेक, उसके बाद क्या होता है कोसेक। अब देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, कंफर्म हुआ। अब इसमें आपको बताना है अगर 0-90 डिग्री के बीच के एंगल आया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है बताओ ए, मतलब आलू मींस ए, ए मींस क्या होता है आल, मतलब आल मींस होता है जितने भी रेशियो 6 हैं ये सभी रेशियो क्या हो जाएंगे बताओ इक्वल, बताओ क्या हो जाएंगे सभी रेशियो क्या हो जाएंगे बताओ पॉजिटिव हो जाएंगे, कंफर्म हुआ। सभी रेशियो क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, कब होंगे जब फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा आल, मतलब आलू, मतलब आल माने होता है सभी रेशियो पॉजिटिव हो जाएंगे, कंफर्म हुआ। चलिए सेकंड में चलते हैं, अब सेकंड में अगर आपको बताया 90 और 180 डिग्री आएगा तो समझ जाएंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट गया, अगर सेकंड क्वाड्रेंट गया है तो समझ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या मिल रहा है बताओ, आलू की समोसा, समोसा समोसा माने क्या होता है, समोसा माने यस ठीक है, समोसा माने साइन, ओके। अर्थात आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, जो ए यस टी और सी है ये सभी वैल्यू पॉजिटिव शो करते हैं, इनके अलावा जो रेशियो है, जो अदर्स रेशियो है, वे सभी निगेटिव प्रेजेंट करते हैं। अगर इसमें समोसे में जाएगा तो समोसे में साइन, अर्थात ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बताओ, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसे, मींस अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है तो यस मींस साइन होता है, अर्थात साइन पॉजिटिव और कोसे पॉजिटिव, और सभी क्या हो जाएंगे, और सभी क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे, कंफर्म हुआ। क्यों, क्यों कोई पूछे यस साइन पॉजिटिव कोसेक पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसे, कोसे का रेसिप्रोकल साइन, ओके। चलिए ए आलू समोसा टिकिया अगर 180 और 270 के बीच एंगल्स आएगा तो बताओ किस में जाएगा, टिकिया में, टिकिया माने टेन, अर्थात अगर थर्ड क्वाड्रेंट में गया है इसमें टेन पॉजिटिव होते हैं और कॉट पॉजिटिव होते हैं, अदर्स रेशियो क्या हो जाते हैं बताओ निगेटिव हो जाते हैं, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, लेकिन ये हमारे क्या हो जाएंगे प्लस। चलिए इसके बाद देखिए क्या करेंगे, 270 और 360, अगर 270 और 360 के बीच में एंगल्स आते हैं तो ये किस क्वाड्रेंट जाता है बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता बताओ क्या हो, आलू समोसा टिकिया चाट, चाट माने क्या होता है कॉस, इसमें क्या होता है इसमें कॉस पॉजिटिव, अगर कॉस पॉजिटिव है तो समझ जाएंगे सेक भी पॉजिटिव होगा, क्यों, कॉस और सेक पॉजिटिव किस लिए होगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, मींस अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है तो वहां पर कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, अदर रेशियो मींस साइन टेन कॉट कोसेक ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे। समझा, ये दो बात, पहली बात और दूसरी बात मैंने आपको कंफर्म कर दिया। तो सबसे पहले तीसरी बात की बात करते हैं, तीसरी बात क्या करना है, जो हम क्वाड्रेंट फार्मूला जिस एंगल्स का निकालने जा रहे हैं वो किसका किसका होता है, उस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, करेक्ट। उस चीज को ध्यान में कैसे रखेंगे, ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है, 270
और 360 का हम यही एंगल्स निकालने जा रहे हैं। करेक्ट। इसमें देखिए एक बात ध्यान रखना होगा कि 90 और 270 में, 90 और 270 और 180 और 360 में, जब 90 और 270 एंगल्स का रेशियो निकालेंगे, एंगल्स का रेशियो निकालेंगे तो उसमें रेशियो की चेंजिंग हो जाएगी। ओके। लेकिन 180 और 360 अगर निकालेंगे तो वहां पे रेशियो की नो चेंजिंग। अब चेंजिंग तो कैसे, नो चेंजिंग तो कैसे, इस चीज को जान लिया जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर टेन है, यहाँ पर कॉट है, यहाँ पर कॉट है, यहाँ पर सेक है, यहाँ पर क्या है, कोसेक। अब देखिए 90 और 270 में रेशियो की चेंजिंग हो जाती है, तो चेंजिंग तो कैसे मैं बताना चाहता हूँ। साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस का साइन। अगर साइन रेशियो रहेगा तो साइन का कॉस करेंगे, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक हो जाएगा। कब, जब 90 और 270 की बात करेगा तब। ओके। अगर 180 360 की बात करेगा, अगर 180 और 360 डिग्री की बात करेगा जिसमें रेशियो की नो चेंजिंग, अगर रेशियो की नो चेंजिंग होता है तो साइन का क्या रहेगा, साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, मतलब रेशियो की चेंजिंग हो जाएगी। कंफर्म हुआ। एक बात मैं आपको रिवीजन कर देते हैं, क्वाड्रेंट फार्मूला को समझने के लिए जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की ग्राफ है इसी को आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले कंडीशन में आप एंगल को प्यार से देखोगे, एंगल आपको ये बताएगा कि वह किस क्वाड्रेंट में गया है। एस 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 0 90 के बीच में आया तो फर्स्ट में, 90 180 सेकंड में, और 180 270 आया तो थर्ड में, 270 360 के बीच में आया तो फोर्थ में, और 360 से अगर मैक्सिमम हो गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर चला जाएगा। ये हो गया क्वाड्रेंट को पास आना। आलू समोसा टिकिया चाट आपको ये बताता है कि कौन से रेशियो पॉजिटिव कौन से निगेटिव। ये एक बात ध्यान रखना, जो यहाँ पर आलू समोसा टिकिया चाट है ये सभी रेशियो पॉजिटिव शो करता है, इन अदर्स जो रेशियो होता है वे सभी निगेटिव होता है। जैसे ए मीन्स आल होता है, इसमें आल रेशियो पॉजिटिव होंगे। यस मीन्स साइन होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। और अदर रेशियो जो होंगे आपके कॉस जो होंगे, टेन और कॉट और सेक जो होंगे वे आपके निगेटिव हो जाएंगे। कन्फर्म हुआ। आलू समोसा टिकिया, टिकिया मीन्स टेन, इसमें जो है टेन पॉजिटिव तो बताओ टेन अगर पॉजिटिव है तो बताओ कार्ड पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि साइन का टेन का रेसिप्रोकल कार्ड, कार्ड का टेन, तो अदर रेशियो से साइन कॉस हो गया। अब सेक और कोसेक हो गया, ये सभी क्या हो जाएंगे, निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, 270 360 में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट गया तो क्या हुआ, आलू समोसा टिकिया चार, चार का मतलब हुआ कॉस। अगर कॉस पॉजिटिव है तो समझ जाइए सेक भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर सेक कॉस पॉजिटिव हो गया तो समझ जाइए कि साइन और टेन और काट और कोशिक मारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तीसरी कंडीशन आपको मैंने अपने दिमाग में रख लीजिए कि जब वह 90 और 270 में अगर रेशियो का, एंगल का रेशियो फाइंड करेंगे तो वहां पर क्या होगा, रेशियो की चेंजिंग हो जाएगी। मैंने ये भी बताया कि चेंजिंग कैसे, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक होता है। अगर 180 360 की निकालते हैं जिसमें रेशियो की नो चेंजिंग होती है, नो चेंजिंग का मतलब हुआ अगर साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टेन टेन, कॉट कॉट, टेन सेक सेक, कोसेक और कोसेक हो जाता है। बस इन तीन बात को अगर ध्यान रखते हैं तो क्वाड्रेंट के फार्मूले को समझने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है। आइए हम इसके फार्मूले को एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के माध्यम से इसको फार्मूले को हम यहां से निकालते हैं। कंफर्म हुआ, चलिए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले यहां पर करेक्ट साइन स्टार्ट करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल इक्वल इक्वल, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा। ध्यान रखना एक बार 90 माइनस थीटा का 6 रेशियो का फाइंड करेंगे, 90 प्लस थीटा का 6 रेशियो 180 माइनस थीटा, फिर 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, ऐसे इससे क्वाड्रेंट फार्मूला को फाइंड करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। अब बताओ ना, पहले एंगल को देखिए, पहली कंडीशन मैंने आपको बताया था, पहली कंडीशन पहले आप एंगल को देखेंगे। अब इस एंगल को अगर देखिए तो 90 माइनस थीटा, अगर 90 में से अगर किसी भी वैल्यू को अगर आप माइनस करते हैं तो आप ही बताइए कि 90 से कम होगा कि ज्यादा, ऑलरेडी कम होगा। अगर 90 से कम मतलब 90 से कम मतलब लेस, और 0 से ग्रेटर, बताओ किस क्वाड्रेंट गया, बताओ फर्स्ट, फर्स्ट में क्या मिल रहा है, बताओ आलू, आलू माने क्या है, बताओ
अलुमनी क्या होता है आल, मतलब इसमें जो सिक्स रेशियो है सभी रेशियो पास टू, ये भी 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 पास टू, ये पर प्लस को लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दिखा देते हैं आपको समझाने के लिए। राइट, अब देखिए पहली कंडीशन आपको ये बता दिया, ये किस क्वाड्रेंट गया है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट गया किस क्या मिल रहा है आलू, आलू में से आल सभी रेशियो पास्ट होंगे। तीसरी कंडीशन 90 का निकाल रहे रेशियो की चेंजिंग, और अगर अगर आप 180 360 निकालते रेशियो की नो चेंजिंग, जैसे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा बताओ कॉस थीटा, क्योंकि साइन का कॉस कॉस का साइन, टेन का कॉट कॉट का टेन, सेक का कोसेक कोसेक का सेक। चलिए कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल बताओ क्या हो जाएगा साइन थीटा, समझ आ रहा ना। इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, इसके बाद फिर टेन 90 माइनस थीटा, टेन का क्या हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। अब इसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा, ओके। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, अब बताओ कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, कन्फर्म हुआ। आप चाहे प्लस को लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, कन्फर्म हुआ। अब देखिए अब इसको मैंने सभी में क्या कर दिया, सबका प्लस कर दिया, ओके। जब मैं इसको प्लस करता हूं एक बात ध्यान रखना कि जब ये 90 प्लस कर दिया तो 90 से ग्रेटर हो गया, यहां देखिए 0 से 90 डिग्री हुआ, अगर 90 से ग्रेटर होता है तो बताओ किस क्वाड में चला जाता है, सेकंड में जाता है, सेकंड क्या बोलता है 90 और 180 के बीच में रहेगा, अगर वो 90 180 के बीच में है तो बताओ किस क्वाड में गया सेकंड में। अब सेकंड में गया है क्या मिल रहा है आलू की समोसा, समोसा समोसा माने साइन, मींस इस चीज को नहीं देखेंगे, बहुत बच्चे स्टूडेंट गलतियां करते हैं, इस चीज को नहीं देखेंगे, फर्स्ट रेशियो देखेंगे साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि साइन रेसिप्रोकल कोसेक कोसेक का साइन है, ये साइन और कोसेक पॉजिटिव कर दीजिए और सभी क्या हो जाएंगे बताओ निगेटिव हो जाएंगे, कंफर्म हो गया। ये देखिए आपका सेकंड फॉर्मूला आ गया, कंफर्म हुआ, इस बात को ध्यान रखिए। इसके बाद आपको लेके चलते हैं 180, ठीक है 180 180 के पास लेके चलते हैं, ठीक है। सिमिलरली अब यहां पर साइन 180 माइनस थीटा इक्वल कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक कोसेक 180 माइनस थीटा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब बताइए अब यहां पर 180 माइनस थीटा है, मतलब 180 से कम, मतलब 1 में अगर कोई भी थीटा माइनस करते हैं तो 180 से कम हो जाएगा, अगर 180 से कम हो गया तो बताओ किस क्वाड्रेंट में गया है सेकंड में जाएगा, ओके। सेकंड में क्या मिल रहा है आलू समोसा, द समोसा मींस होता है साइन, मींस साइन पॉजिटिव एंड कोसेक पॉजिटिव, अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, लेकिन बट रेशियो की नो चेंजिंग, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा बताओ साइन थीटा, ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक होता है, क्यों, क्योंकि रेशियो की चेंजिंग नहीं होगी किसमें 180 और 360 में, ओके। तो यहां पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यहां पर क्या हो जाएगा टेन थीटा, यहां पर कॉट थीटा, यहां पर सेक थीटा, यहां पर कोसेक थीटा, ठीक है ये हो गया। अगर हम इसको सभी को प्लस कर दें, ओके प्लस कर दिया, अगर इसको प्लस करते हैं तो देखिए 90 90 180, अगर 180 से अगर कोई भी वैल्यू कोई 1 डिग्री भी अगर ग्रेटर होता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट गया है तो 180 270 के बीच एंगल्स आता है, तो बताओ किस क्वाड्रेंट गया है बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर थर्ड क्वाड्रेंट गया बताओ क्या मिल रहा है आलू समोसा टिकिया, टिकिया माने टेन, टेन पास टू और काट पास टू, ये टेन पास टू और काट पास टू और सभी क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे, अर्थात ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव हो जाएगा, कंफर्म हो गया, ये चीज आ गया करेक्ट। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं, यहां पर साइन साइन 270 माइनस थीटा, यहां पर कॉस कॉस 270 माइनस थीटा, इसके बाद फिर टेन 270 माइनस थीटा, cot 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, cosec 270 माइनस थीटा, ओके। अब देखिए 270 माइनस थीटा का मतलब हुआ कि 180 से ग्रेटर 270 से लेस, तो भी थर्ड में जाएगा, थर्ड में जाएगा इसमें क्या मिलेगा आलू समोसा टिकिया,
मीन्स टेन पास टू और पार्ट पास टू और अदर्स सभी क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएगा, बट इसमें रेशियो की चेंजिंग हो जाएगी कि 270 आ रहा है, तो साइन 270 माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा, बताओ कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है अब तो समझ आ रहा होगा। प्लस यहाँ क्या हो जाएगा कॉट थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा टेन थीटा, यहाँ पर कोसेक थीटा, कोसेक कोसेक थीटा हो जाएगा कन्फर्म, यहाँ क्या हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। अब इन सभी अल रेशियो को माइनस कर दीजिए, हम माइनस कर दिया एंगल को, यहाँ पे सभी एंगल्स को माइनस किया, जब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस किया, माइनस नहीं प्लस किया, तो जब प्लस करते हैं तो 270 से 90 90 180 189 270 से अगर 180 डिग्री अगर ग्रेटर होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है। जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया है तो उसमें क्या मिलेगा, आलू समस्या ठीक क्या, चार्ट मीन चार्ट मीन्स कॉस, कॉस पास टू और सेक पास टू, क्यों कॉस और सेक इसलिए पास टू, कॉस का रेसिप्रोकल सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, इस बात को ध्यान रखना। और सभी क्या हो जाएंगे निगेटिव, इसका मतलब एक कॉट वाला भी निगेटिव हो जाएगा और इसके बाद टेन का भी निगेटिव हो जाएगा, सेक तो निगेटिव ऑलरेडी है, कंफर्म हुआ, इस चीज को आप जानिए। अब लेके चलते हैं 360 प्लस 360 माइनस थीटा, चलें इसके बाद 360 माइनस थीटा साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा टेन 360 माइनस थीटा कॉट 360 माइनस थीटा सेक 360 माइनस थीटा कोसेक 360 माइनस थीटा। अब देखिए यहां पर 360 माइनस थीटा है, इसका मतलब हुआ कि 270 से ग्रेटर हो गया, ठीक है 270 से ग्रेटर और 360 के बीच में, गौर करिएगा अगर इसमें अगर देखा जाए तो 360 माइनस थीटा है, प्लस माइनस दोनों हो गया, तो 360 से ग्रेटर हो और टू 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 सेवेंटी से ग्रेटर हो 360 से लेस हो, तो 360 में अगर कोई भी डिग्री अगर माइनस करेंगे, कोई भी अगर माइनस करेंगे तो 360 से लेस ही होगा, अगर लेस होगा तो आलू किस क्वाड्रेंट में गया बताओ, फोर्थ में गया है, अगर फोर्थ में गया है तो क्या मिल रहा है, आलू समस्या टिक किया चार, चार मीन्स होता है कॉस, मतलब कॉस पास टू और सेक पास टू, और सभी क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाएगा। ये साइन को साइन ASTC आपको बताता है कौन से रेशियो पॉजिटिव कौन से निगेटिव। अब 360 की बात करेगा, रेशियो की नो चेंजिंग, साइन 360 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये आपका हो जाएगा सेक थीटा, ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा, ओके ये चीज हो गया, इस चीज को कंफर्म करिए। अब इसके बाद अगर इसको हम ऑल एंगल्स को प्लस कर देते हैं, अगर प्लस कर दिया तो बताओ यहाँ 90 90 90 360 हुआ, 360 से अगर 1 डिग्री भी मैक्सिमम हुआ तो फर्स्ट क्वार्टर हुआ, अगर फर्स्ट क्वार्टर गया तो आल पास्ट हो जाएंगे, मतलब सभी पास्ट हो जाएंगे, जब सभी पास्ट हो जाएंगे रेशियो की नो चेंज, ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब आपको ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ग्राफ में जो क्वाड्रेंट फार्मूला आपको मैंने शो किया बताया ट्रिक के माध्यम से, अब इस पर थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स आपको सेटिस्फाइड कर देते हैं जैसे आपको दिक्कतें ना हो, कंफर्म हुआ, चलिए इस पर कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल लेते हैं, ओके जैसे यहां पर साइन, ठीक है यहां पर कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है अगर यहां पे साइन 180 डिग्री, मैंने आपको बताया था कि पार्ट वन में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 डिग्री का हम टेबल कैसे बनाते हैं कैसे देखते हैं, और 90 डिग्री से अगर ग्रेटर अगर हमारा एंगल्स आता है तो ऐसे एंगल्स को निकालने के लिए हम क्वाड्रेंट फार्मूला का यूज करेंगे, क्वाड्रेंट फार्मूला का ट्रिक यूज करेंगे एक्स एक्स वाई एक्स का, मैंने आपको सामने बताया अच्छे तरीके से। अब ये देखिए 180 जो है 90 से ग्रेटर है, तो अगर 90 होता डायरेक्ट लिख देते, साइन 90 होता तो डायरेक्ट आप लिख देते सीधा 1 लिख देते, लेकिन साइन 180 आया है तो याद रखिएगा जो भी हम एंगल्स तोड़ेंगे 90 प्लस या 90 माइनस 180 माइनस या 180 प्लस या 360 माइनस या 360 प्लस या 270 माइनस या 270 प्लस में ही तोड़ेंगे, क्योंकि उसी का फॉर्मूला होता है। जैसे आप 180 है तो अगर आप 100 प्लस 20 लिख दीजिए तो 100 प्लस 20 का फार्मूला नहीं है, लेकिन आप 90 प्लस 90 माइनस का फार्मूला है और 360 माइनस का भी फार्मूला है, 180 का भी है 270 का भी है, ओके अब इसको क्या करेंगे, अब इसको साइन इसको क्या करेंगे 90 प्लस 30 लिख सकते हैं,
क्यों लिख सकते हैं कि 90 में 30 ऐड करोगे तो 180 आएगा, क्योंकि 90 में इसलिए लिखा कि 90 के फार्मूले में सेट करना है। अब बताओ 90 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस है तो ग्रेटर है, 90 प्लस 30 इक्वल 120 डिग्री। बताओ 120 डिग्री किस में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा नहीं, चले जाएगा किस में बताओ, किस में जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 और 180 के बीच में आ रहा है 180 डिग्री, ये किस क्वाड्रेंट में गया बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में। कंफर्म हुआ, जब ये सेकंड क्वाड्रेंट गया तो पहले ये निर्धारित कर लीजिए कौन से रेशियो पॉजिटिव कौन से रेशियो नेगेटिव, ये साइन और कोसेक पॉजिटिव अदर्स नेगेटिव, बताओ ये क्या है, साइन, साइन मेरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ऑलरेडी ये प्लस रहेगा माइनस नहीं होगा। और दूसरी बात 90 की बात करता है तो रेशियो की चेंजिंग हो जाएगी, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल हो जाएगा आपका कॉस थीटा, तो कॉस 30, आप टेबल से कॉस 30 वैल्यू क्या होती है बताओ, आप साइन बताओ साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, अंडर 3.2, तो कॉस 30 वैल्यू क्या होगी, अंडर 3.2, ये आपका आंसर हो गया। कंफर्म हुआ, साइन 180 डिग्री। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे टेन है यहाँ पर 210 डिग्री है, ओके। अब देखिए ये 90 से ग्रेटर है तो 90 से अगर मैक्सिमम होता है तो आप 180 के पास जाइए, 180 से ग्रेटर होता है 360 के पास जाइए, और 360 से बहुत एंगल्स बहुत ज्यादा एंगल्स अगर होते हैं तो उसका हम फार्मूला भी बताएंगे। रेशियो होता है 2 × (n)/360 प्लस माइनस थीटा, यानी इक्वल 0123 रख करके आप फाइंड कर लेंगे। और इसको देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, टेन 180, ओके। अब क्या करेंगे, 180 में कितना ऐड करेगी, 210 आ जाए 30। अगर 180 में 30 को ऐड करेंगे, अगर यहाँ पे 180 में 30 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 210 डिग्री आ जाएगा। अब बताइए 10 180 प्लस 30 मतलब 180 से ग्रेटर, 180 से ग्रेटर किस में जा रहा है, 270 से प्लस किस में जा रहा है बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा। ऐसे देख लीजिए 210 डिग्री या 180 से प्लस कर दिया तो 180 से ग्रेटर हो गया, कन्फर्म ये जान लीजिए। तो 180 और 270 के बीच में आया तो किस क्वाड्रेंट गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड गया तो आलू समोसा टिकिया, मीन्स 10 मिल रहा है, और 10 टिकिया मीन्स 10, 10 और कॉट पॉजिटिव और सभी क्या हो जाएंगे निगेटिव, बट रेशियो की नो चेंजिंग, क्यों 180 360 में रेशियो की नो चेंजिंग होती है, लेकिन 90 और 270 में रेशियो की चेंजिंग हो जाती है, कैसे मैंने आपको बताया, करेक्ट। इसमें क्या होगी, नो चेंजिंग होगी, तो 10 180 प्लस 30 इक्वल 10 30, 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री क्या होती है बोलो बताओ, 10 30 डिग्री बोलो बताओ क्या होता है, 1/√3 हो गया आंसर, कंफर्म हुआ। अच्छा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं सिक ले लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 360 करेक्ट, यहाँ पे 360 या ले सकते हैं 390 ले लीजिए, ओके। अब यहाँ क्या करेंगे, sec 360 प्लस 30 कर दीजिए, ओके। जब 360 प्लस 30 करोगे 390 डिग्री हो जाएगा। अब 360 प्लस 30 मतलब 360 से ग्रेटर, अगर 360 से ग्रेटर होता है तो 90 से लेकर चलेगा तो 360 यहाँ पे कंप्लीट करेगा, करेक्ट। जब 360 से अगर 1 डिग्री भी मैक्सिमम होती है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट गया है तो आज समझ रहे हैं वहां पे आलू मिलेगा, आलू मींस आल, आल मींस आल पॉजिटिव हो जाएंगे, इसका मतलब सबसे पहले ही प्लस होगा। दूसरी बात, यहां पर रेशियो की नो चेंजिंग होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 360 की बात कर रहा है, ओके समझ आ रहा है। तो sec 360 प्लस थीटा इक्वल हो जाएगा sec 30 डिग्री। आपको ये बताना है sec 30 डिग्री, आपने cos 30 डिग्री क्या होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होती है, आपने देखा है साइन 60 डिग्री हो जाएगी कितना वैल्यू, अंडर 3.2, तो उसको अपोजिट डायरेक्शन देखेंगे तो वहां पर बताओ कास 30 डिग्री क्या हो जाएगी, सीधा सीधा अंडर 3.2 हो जाएगा। अगर कास का अंडर 3.2 होता से का क्या, उसका अपोजिट कर दीजिए 2/√3 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ओके ठीक है। ये चीज समझ में आया ना, sec 30 क्योंकि cos 30 डिग्री होता है अंडर 3.2 तो sec क्या होगा 2/√3, ये आपको मैंने इस पर एग्जांपल दिखाया। इसी प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से इससे रिलेटेड आप एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको लेके चलते हैं, जब कोई भी एंगल 360 से बहुत बहुत ज्यादा ग्रेटर हो जाता है तो वहां पर देखते हैं कि 360 से अगर बहुत ज्यादा ग्रेटर होता है, अगर यहाँ पे फिर क्या करते हैं, फिर बहुत ज्यादा अगर ग्रेटर होता है तो मान लीजिए 1000 कोई वैल्यू ऐसी आ जाती है, तब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, बहुत क्योंकि ये बहुत दूर है एंगल, करीब होता तो 9360 तो हम एंगल्स को फाइंड कर लेते हैं। तो ऐसे एंगल्स को फाइंड कैसे करते हैं इसको मैं दिखा देता हूं आप लोग को, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, मैक्सिमम एंगल। अब देखिए फार्मूला होता है उसका, रेशियो
रेशियो एन मल्टीप्लाई 360 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, वेयर जहां एन इक्वल 0, 1, 2, 3, 4 डेडेडस आप रख सकते हैं। ओके, जैसे यहां पर क्या होगा, मान लीजिए यहां पर साइन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए गौर करिएगा, यहां पर साइन अगर ले लेते हैं, यहां पर 750 डिग्री लेते हैं। अब 750 डिग्री बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है, इसको क्या करेंगे साइन 360। ओके, अगर 360 में प्लस करेंगे तो भी 360 से ग्रेटर होता है, तो यहां पर क्या करेंगे एन की वैल्यू आप पुट करेंगे, यहां पर सीधा सीधा आपको देखेंगे 360 में कितने एन की वैल्यू रखे हैं, एन 0, 1, 2, 3 कितना रखे हैं, यहां पर जीरो नहीं रखेंगे, जीरो रखेंगे सबका एन बराबर 1, 2, 3। ओके, अब क्या होगा, वन रखेंगे 360 करीब 750 डिग्री के करीब हो जाए या कुछ उससे ग्रेटर हो जाए, कुछ से लेस हो जाए, जैसे 90, 30, 45, 60 के उसके आसपास हो। ओके, अगर इसको क्या करते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 720 हो गया। अब 720 में कितना ऐड करें तो कितना आ जाए, 750 डिग्री 30, तो अब प्लस यहां क्या करेंगे 30 डिग्री, कंफर्म हुआ, सही है। अब इसमें क्या करेंगे, हम जो वैल्यू पुट करते हैं उससे बात नहीं करते हैं, ऑलरेडी 360 से बात करते हैं, तो साइन 360 प्लस थीटा फर्स्ट में ले जाएगा, अल्फा इज टू रेशियो की नो चेंजिंग, साइन 360 प्लस थीटा इक्वल हो जाएगा साइन 30 डिग्री। इसके बाद साइन 30 डिग्री के बाद इसकी वैल्यू जो होती है 1/2, ठीक है। इसी प्रकार से आपका क्वाड्रेंट फार्मूला मैंने 100% आपको क्लियर कर दिया। आपको ट्रिग्नोमेट्री का मैंने 2 पार्ट बनाया, पार्ट 1 में भी फार्मूले के मैंने बेसिक फार्मूले पर चर्चा किया, हर फार्मूले का, ठीक है, इसके बाद यूज करना बताया। पार्ट 2 में भी हमने इस फार्मूले की चर्चा किया, उसका यूज करना बताया। अब आपको पार्ट 3 में